साहब आज फरीदाबाद पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम है सबसे पहले? आज सुब्बा राव जी की स्मृति में, जो कि जिनका सारा जीवन समाज सेवा में समर्पित रहा, युवाओं के बढ़ाने में रहा, देश को जोड़ने में रहा, विभिन्न भाषाओं में वो उनके गीत बने हुए थे और वो एक मैं समझता हूँ सही मायने में गांधीवादी थे, जो गांधी जी के आदर्शों को लेकर अपने जीवन में पूरा चले। आज उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है, युवा तो इनका 2-3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है युवाओं को, देश में एक युवाओं में एक देशभक्ति की भावना जब तक नहीं होगी देश प्रगति नहीं करेगा, उस संदर्भ में आज आए हैं और सुब्बा राव जी की याद में रहे हैं। उनका हमारा पारिवारिक संबंध भी था और वो हमारे से आशीर्वाद भी उनका सदैव रहा मेरे पे और परिवार के साथ सदैव बने रहे। आज वो दुनिया में नहीं है लेकिन जो वो दे के गए हैं हमारे को, उसको हमारे को आगे बढ़ाना है युवाओं से। बहुत सारे स्टेटों के बच्चे आए हैं और एक दूसरे को अपने अपने स्टेट का परिचय दे रहे हैं, क्या लगता है कितना सफल हो पाएगा ये कार्यक्रम? यही सफल है, वो उनका सारा जीवन इस चीज़ में गया जी, उनका सारा जीवन इस चीज़ में गया। कई हमारे देश में विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न वेशभूषाएं हैं और विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियाँ हैं, तो लेकिन वो सब मिलकर एक मजबूत देश बनना है तो युवा शक्ति को मजबूत करना है, यही लक्ष्य लेके वो चले। बोडा साहब, लगातार मीटिंग हो रही है, तमाम कांग्रेसी एक साथ मीटिंग कर रहे हैं, क्या लगता है आने वाले समय में कितना मजबूत हो पाएगा कांग्रेस? मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है, आज भी मजबूत है। हरियाणा में 31 हमारे विधायक हैं और अगली ये मौजूदा सरकार तो बिल्कुल विफल सरकार है, हालांकि इस मौके पर मैं राजनीति बात नहीं करना चाहता था। ये जो बीजेपी जेजेपी है उससे हर वर्ग विमुख है, क्योंकि सिर्फ प्रदेश को कर्जे में डुबाने का काम किया इन्होंने, काम कोई नहीं किया। आप फरीदाबाद में रहते हैं, आप क्या बता सकते हो इन पिछले 7-8 साल में कोई काम आपकी नज़र में आया हो? मैं बता सकता हूँ, आप चाहे मेट्रो देखो, चाहे रोड देखो, चाहे मेडिकल कॉलेज देखो, चाहे आप YMCA यूनिवर्सिटी देखो, कितने ही काम आप दे सकते हो, किस समय बने हुए हैं, इनके समय में क्या बना है? बोडा साहब, पंजाब में आम आदमी को सत्ता मिल चुकी है, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर जो कांग्रेस की जो भगदड़ मच रही है, आम आदमी कोई भगदड़ नहीं मच रही कांग्रेस में, क्या कारण? कोई भगदड़ नहीं मच रही, कोई जिनके जिनको जिनका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं था, ये सदैव वो सदैव जो है ऐसे जो इतना वेदर कॉक होते हैं समाज में, वो हर पार्टी में होते हैं तो उसके हिसाब से उनका हवा का मन लगा रहता है। बोडा साहब, लगातार जो मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत होगा, क्या लगता है कितना रहेगा ये, क्या रहेगा? भारत तो बहुत बड़ी चीज है, हरियाणा तो बीजेपी मुक्त और ये जेजेपी मुक्त हो ही जाएगा। नगर निगम चेहरों की तलाश भी की जा रही है, नगर निगम चुनाव की बात करें तो नगर निगम चुनाव को लेकर किस तरीके से कांग्रेस तैयारी है, सिंबल पे लड़ेगी कैसे, क्या रहेगा? सिंबल पे लड़ेगी, जो कॉरपोरेशन है वो सिंबल पे लड़ेंगे और जो कमेटी और काउंसिल है उनका फैसला करेगी। सरकार चुनाव कराने से क्यों डर रही है हरियाणा सरकार? चुनाव की बात करें, उत्तर नित का कोई कार्य नहीं करना चाहते, जो जो गांधी जी ने देश आजाद कराया, ग्राम स्वराज ही एक लक्ष्य था, वो पंचायती के चुनाव निकलाते। बुड्ढा साहब, कहीं ना कहीं नए चेहरे की भी तलाश की जा रही है, नए नए चेहरों को भी तलाश की जा रही है विधानसभा के चुनाव को लेकर के, नए चेहरों की तलाश की? हाँ, नए चेहरे आते जाते हैं, रहते हैं, क्या बात। इस बार हरियाणा की कमान किसके हाथ में होगी कांग्रेस की? जब होगी तो बता देंगे।
कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।